हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अन अकेडमी के इस चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स उन सभी एडिटोरियल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो एडिटोरियल है वो मंडे से फ्राइडे सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। आज के मुद्दों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या चुनाव राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए। ये जो एडिटोरियल है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे कि यूजीसी पीजी कार्यक्रमों के लिए एक नया पाठ्यक्रम लाएगा, इस पे चर्चा चल रही है। छात्रों को इससे थोड़ा लचीलापन मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे भारत का आर्थिक उत्थान, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इसको प्रॉपरली हम थोड़ा डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी पे 2025 के लिए आपके लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से प्रॉपर गाइडेंस ले सकें तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का आपका जो सफर है वो हमारे साथ होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हर एक स्टेजेस के बारे में प्रॉपरली वन टू वन मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। 26 नवंबर को आप सभी के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट से आप कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे कि मैकबुक, लैपटॉप्स और रिवॉर्ड्स वगैरह जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर आप ऑप्शनल में कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आपके ऑप्शनल का कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे अगर आपसे रेफरल कोड पूछा जाए तो उसमें आप PRIYA PRIYA30 इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हुए बात करते हैं आज के पहले मुद्दे की। सबसे पहले पहला जो मुद्दा है वो ये है कि क्या चुनाव राज्य द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए। ये जो मुद्दा है स्टूडेंट्स, ये आपके GS Paper 2 पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। इससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री जी काले धन को साफ करने के अभियान के तहत राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर बहस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पर डिस्कशन हो कि चुनाव में जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं। इसी वजह से ये जो मुद्दा है ये हमारे सामने आया है। अब स्टूडेंट्स, जब ये मुद्दा सामने आ ही गया है तो हमारे लिए ये डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चुनाव में काला धन कैसे भूमिका निभाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भारतीय चुनाव में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। ये जो पैसा है ये शायद ही राजनीतिक पार्टी समर्थकों के खुदरा योगदान से आ सकता है।
इसे बड़े कॉरपोरेट घरानों से जो है वो जनरली देखा जाता है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने से पैसे आए हैं, लेकिन कॉरपोरेट घरानों का जो योगदान है वो काफ़ी हद तक जो है अनडिक्लेयर्ड इनकम से होता है। मतलब जो इनकम, जो पैसे चुनाव में लगते हैं वो अघोषित होते हैं, इसका योगदान दर्ज नहीं किया जाता। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये सवाल उठ रहा है कि पैसे आखिर आ कहाँ से रहे हैं। अब जब आपने इतना समझ लिया तो ये भी जान लीजिए कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि काले धन के किसी भी स्थायी और प्रभावी इलाज के लिए ये एक शर्त है कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तब तक कैसे पता चलेगा कि धन जो है वो सही तरीके से कमाया गया है या फिर ये ब्लैक मनी है ना। तो जब तक भारत की राजनीति अपने वित्त के लिए व्यवस्थित रूप से बेहिसाब धन पर निर्भर है, तब तक काले धन को खत्म करने के लिए कोई निर्णायक राजनीति इच्छा शक्ति नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि राजनीतिक दल चुनावी वर्षों में भारी मात्रा में खर्च करते हैं, लेकिन आय की यदि रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट करते हैं जो उनके खर्च का केवल एक अंश होता है, वो सारे के सारे खर्च का रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। जब उनके खर्च का बड़ा हिस्सा बेहिसाब आय से वित्त पोषित होता है तो ऐसे में ये शासन की अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नेंस से समझौता करता है। साथ ही सिविल सेवा को भ्रष्ट भी करता है और साठगांठ वाले पूंजीवाद को ये बढ़ावा भी देता है स्टूडेंट्स। इसी वजह से सरकार के प्रबंधन को उद्यमिता की एक निर्णायक मुख्य क्षमता ये बना देती है। यह सब तभी बदलेगा जब राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके मेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक सवाल पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने बात की कि क्या राज्य वित्त पोषण सही है, तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि राज्य वित्त पोषण जो है वो क्या होता है। चुनावों के लिए राज्य के द्वारा वित्त पोषण का जो विचार है वो व्यक्तिगत अभियान योगदान के विपरीत सरकारी धन से चुनावों का वित्त पोषण करके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाया गया है। कई सारे लोग ये सुझाव देते हैं कि चुनावों का राज्य वित्त पोषण राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ये भी माना जाता है स्टूडेंट्स कि राज्य वित्त पोषण लोकतंत्र की एक स्वाभाविक और आवश्यक लागत है ना। तो इसी वजह से ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि ये नई और बढ़ती हुई पार्टियों को स्थापित पार्टियों के बराबर लाता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव जो है सुनिश्चित हो सके। अब यदि पार्टियों और उम्मीदवारों को केवल निजी धन से वित्त पोषित किया जाता है तो फिर समाज की आर्थिक असमानताएं जो हैं वो सरकार की राजनीतिक असमानताओं में बदल सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य के द्वारा वित्त पोषण यानी कि स्टेट फंडिंग जो है वो एक अच्छा विचार है। चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर स्टूडेंट्स थियोरेटिकली देखा जाए तो जो राज्य वित्त पोषण है वो राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और समीकरण से धन शक्ति को भी ये खत्म करता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो चीजें इतनी लीनियरली काम नहीं कर सकती हैं। भारत का
सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16% ही कर के रूप में एकत्र करता है। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि चीजें इतनी लिनियरली काम नहीं कर सकती। साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें यदि, तो इन जैसी कई सारी जो आवश्यक सार्वजनिक वस्तुएं हैं उन पर राज्य का व्यय बहुत ही कम है। इस स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक संसाधनों को ऐसी आवश्यक सेवाओं की ओर मोड़ना होगा, ना कि उनसे दूर ले जाना होगा। और साथ ही वह भी किसी ऐसी चीज को वित्त पोषित करने के लिए जिसे पहले से ही प्रचुर मात्रा में वित्त पोषित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग पार्टियों को पैरवी करने और संबंधित निहितार्थों के साथ अघोषित पूरक जो है निजी फंडिंग प्राप्त करने से नहीं रोकेगी। इसलिए जो राज्य की फंडिंग होती है, भारत में राजनीतिक की आप अपारदर्शी फंडिंग का समाधान वो नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो मुद्दा है इसका क्या सोल्यूशन है, क्या किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि भारत की यदि बात की जाए तो भारत में चुनाव खर्च में काले धन की व्यापकता का जो मुख्य कारण है वो है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा प्रचार खर्च पर भारत के चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित अवास्तविक रूप से कम सीमा है। साथ ही अधिक यथार्थवादी अभियान व्यय सीमाएं निर्धारित की जाने चाहिए जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सके। कुछ देशों में चुनाव अभियान के लिए आंशिक सार्वजनिक फंडिंग का भी चयन है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना। तो इसमें जो है सबका व्यू या फिर ओपिनियन कह लीजिए वो अलग अलग हो सकता है ना। तो आप इसकी जगह कोई दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर आपको माइंड में आ रहा है तो, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पंचायत है या फिर जो मतदान केंद्र है और नगर पालिका वार्ड है उससे लेकर हर स्तर पर राजनीतिक दलों और उनके जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले जो खर्च है उसकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। हर पार्टी को हर महीने हर एक लेवल पर अपने खर्च का खुलासा करना चाहिए, उसको ओपन रखना चाहिए। साथ ही इसे प्रतिद्वंदी पार्टियों, मीडिया आदि के द्वारा चुनौती के लिए ओपन रखा जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सुझाव थे जो कि पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक प्रॉपरली समझ में आया। चलिए, अब जब आप ये टॉपिक समझ गए तो आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। एक बार प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए घर पे अपने पहले दिमाग में कुछ पॉइंट्स जो है नोट डाउन कीजिए जो कि आप इस आंसर में मेंशन करेंगे। घर पे बैठ के इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। आई होप आप प्रॉपरली इसका आंसर लिख पाएंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक का। जो अगला टॉपिक है वो ये है कि UGC PG कार्यक्रमों के लिए एक नया पाठ्यक्रम लाएगा, छात्रों को इससे लचीलापन प्रदान होगा। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके अगेन GS पेपर 2 के लिए रेलिवेंट है, जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित
सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है न्यूज में, इस पे गौर कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एक नया सिलेबस लॉन्च करने वाला है। कोर्स के लिए UGC की तरफ से फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नए फ्रेमवर्क के लिए इस महीने की शुरुआत में UGC के द्वारा अनुमोदित किया गया था और साथ ही UGC ने इस पर विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रियाएं भी मांगी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अनुरूप जो पाठ्यक्रम है, छात्रों को अध्ययन के एक अनुशासन के दूसरे में जाने के लिए लचीलापन वो प्रदान करता है। यदि कोई भी छात्र स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि एक वर्ष पूरा करने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहता है, तो ये जो PG डिप्लोमा है उसका विकल्प भी प्रदान करता है। साथ ही अगर 4 साल की डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए PG कोर्स 1 साल का होगा और 3 साल की डिग्री कोर्स पास करने वाले छात्रों के लिए 2 साल का PG कोर्स जारी रहेगा। तो ये अपडेट हमारे सामने आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो जो कि UGC ने सजेस्ट किया है। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको सब्जेक्ट चुनने की भी छूट मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि छात्र जो है वो ग्रेजुएशन के लिए अध्ययन किए गए किसी भी विषय में PG का विकल्प भी चुन सकते हैं। साथ ही जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि बड़े और छोटे विषयों के साथ UG अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए मास्टर्स कार्यक्रम में बड़े या फिर छोटे विषयों में से किसी एक को चुनने की छूट होगी स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जो छात्र मेजर और माइनर के साथ UG कोर्स पास करेंगे, वो मास्टर्स प्रोग्राम में मेजर या फिर माइनर विषय चुन सकते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों को अपनी रुचि का कोर्स चुनने का अवसर भी इसके तहत दिया जाएगा। सीखने के वैकल्पिक तरीके जो हैं वो ऑफलाइन होंगे, साथ ही ओपन लर्निंग इसमें अवेलेबल होगा और डिस्टेंस एजुकेशन हाइब्रिड तरीकों पर स्विच करने के लिए भी लचीलापन इसमें प्रदान किया जाएगा। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स कुछ निर्देश दिए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इसके तहत निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों को जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसकी जानकारी दी गई है। ये जो प्रस्तावित ढांचा है इसके तहत उच्च शिक्षा नीति यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में शैक्षिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और एकल निकाश की पेशकश भी की जा सकती है। प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को PG डिप्लोमा के सम्मानित किया जा PG डिप्लोमा से सम्मानित उनको किया जाएगा और साथ ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास मास्टर प्रोग्राम के विभिन्न डिजाइन रखने की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये तो हो गया रीसेंट जो चेंजेस होने वाले हैं PG के प्रोग्राम में, उसके बारे में डिटेल। लेकिन आपके एग्जाम के लिए करंट तो इम्पोर्टेंट है ही, थोड़ा सा स्टैटिक पे भी फोकस करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की हमने बात की, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम UGC कहते हैं, ये जो है 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में UGC के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। इसके तहत मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यार्थी शिक्षा के
मापदंडों के समन्वय निर्धारण और अनुरक्षा हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपयोगों पर सुझाव भी देता है। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पॉइंट्स थे यूजीसी के बारे में, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। स्टूडेंट्स इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पे भी नज़र डाल लेते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार गो थ्रू कीजिए क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है और कोशिश कीजिए वो सारे पॉइंट्स रिकलेक्ट करने का जो कि आप उत्तर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स घर पे बैठ के इसका आंसर लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए, इससे आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस होता रहेगा, साथ ही आपका रिविजन भी होता रहेगा पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के आर्थिक उत्थान के बारे में। सबसे पहले ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत की आर्थिक वृद्धि खेल, फिल्म और सांस्कृतिक निर्यात के माध्यम से वैश्विक प्रभाव, विश्व स्तर पर इसकी नरम शक्ति के उदय को रेखांकित करता है। भारत के आर्थिक उत्थान की स्टूडेंट्स यदि बात की जाए तो वो है सबसे पहला मजबूत विकास, है ना। यहाँ पे देखिए, चलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं एक और यहाँ पे चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। ये जो यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट कह लो, एक फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप जो देख रहे हैं यहाँ पे माइंड मैप, तो उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट, ये अपडेटेड है 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये अपडेट आया हुआ है। तो इसमें दिखाया गया है हमारी जीडीपी ग्रोथ किस तरह से रही है 2019 से 2023 के बीच में, क्या गिरावटें आई हैं, कितना अप्स हुए हैं, कितना डाउनफॉल्स हुए हैं। साथ ही इन्फ्लेशन को दर्शाया गया है, 2022 और 23 में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है ग्राफ की मदद से आपको शो किया गया है, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा था जो आपको जानना चाहिए था। एक बार इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे हर साल लगभग एक दो सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में आया है भारतीय का आर्थिक उत्थान, तो इससे रिलेटेड कुछ डेटाज वगैरह आपके लिए जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं भारत के आर्थिक उत्थान की, जिसके तहत सबसे पहले मैं बात करूंगी मजबूत विकास के बारे में। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से फल फूल रही है, जिसका लक्ष्य जो है $5 ट्रिलियन का है, जो एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार और सुधारों से प्रेरित है। यदि हम वैश्विक मान्यता की बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, खेल, फिल्म और सांस्कृतिक निर्यात को प्रमुखता मिलने के साथ भारत के प्रभाव को भी जो है करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉफ्ट पावर परिवर्तन की यदि हम बात करें तो आर्थिक सफलता से परे भारत का समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति सॉफ्ट पावर में वृद्धि में योगदान करती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स सांस्कृतिक कूटनीति और
वैश्विक नेतृत्व के बारे में चर्चा करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे खेल और फिल्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट में आपका राय जरूर जानना चाहूँगी कि आप इस बार जो है हर शनिवार को मैं कोशिश करती हूँ स्पेशल सैटरडे वाला सेशन लाने का। तो इस सैटरडे तो हमने चलिए करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया, क्योंकि कुछ दिनों से मैं करंट अफेयर्स नहीं ला पा रही थी आपके लिए। लेकिन अगले शनिवार को आप कौन सा टॉपिक चाहेंगे मुझे कि मैं डिस्कस करूं? आप मुझे जो है कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही हो उसके बारे में हम सैटरडे को बात करेंगे, अगले सैटरडे को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके तहत हम बात करते हैं खेल और फिल्मों की। तो क्रिकेट में या फिर क्रिकेट से जो परे खेल होती है उसमें विविधता, फिल्म उद्योग की सफलताएं और साथ ही सांस्कृतिक निर्यात भारत के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। वैश्विक मंच पर नेतृत्व की यदि चर्चा की जाए यहाँ पे, तो वैश्विक चर्चाओं में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए सक्रिय भागीदारी की बात की जाए, तो न्याय संगत समाधानों की वकालत और जलवायु पहल भारत को एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। वहीं अगर सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जाए, तो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यवसाय, कला, खेल, शिक्षा और प्रवासी से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता भी होती है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, सॉफ्ट पावर पर पूंजीकरण के बारे में जानना भी बेहद आवश्यक है। आर्थिक आशा और वैश्विक प्रभाव को यदि देखा जाए, तो भारत का जो आर्थिक उत्थान है वो विश्व स्तर पर आशा प्रदान करता है ना, एक पॉजिटिव वाइब हमें देता है। बढ़ते जो प्रभाव है उसमें योगदान भी देता है, और सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने से सकारात्मक परिवर्तन भी ये बढ़ाता है। वहीं अगर सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाए, तो सरकार, व्यापारिक नेता यानी बिजनेस लीडर्स जो हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी और प्रवासी वैश्विक प्रभाव के लिए भारत की सॉफ्ट पावर में सामूहिक रूप से योगदान भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी था। अब इसी के तहत एक प्रश्न को भी गौर कर लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न में आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है। देखिए, यूपीएससी का आंसर लिखते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में फोकस करना है आपको, तो वो यही है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां पे आपको शोकेस बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर कीजिए। तो ये बहुत बड़ी टिप है जो मैंने आप लोगों को दी है। आई होप अब तक आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया जा रहा है। घर पे बैठ के जरूर इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप भी 2025 का टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेफरल कोड। रेफरल कोड जहाँ पूछा जाए वहाँ पे आप PRIYA30, प्रिया 30 लिखेंगे और आपको इंस्टेंट
10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे हर एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में, किसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हर चीज़ आपको प्रॉपरली बताई जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 26 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई सारे रिवॉर्ड्स और कई सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स आप इसमें जीत सकते हैं, जैसे मैकबुक एंड लैपटॉप्स। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शनल में आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, प्रॉपर गाइडेंस की कमी महसूस हो रही है, तो आप ऑप्शनल के बैचेस भी ले सकते हैं, जिसके लिए रेफरल कोड PRIYA30 इस्तेमाल कीजिएगा। सो आई होप सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा। मुझे शानदार शनिवार के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ठीक है? तब तक के लिए आंसर लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर मिलूंगी आपसे सोमवार को और नए और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।